अधिकार चाहिए, हमको हमारा अधिकार चाहिए, हमको हमारा अधिकार चाहिए। अगर नहीं मिला मेरे भाइयों, तो जैसे हमारा एक भाई 26 जनवरी को शहीद होने के लिए तैयार हुआ है मुख्यमंत्री आवास के समक्ष, ऐसे ही हम अपने पूरे प्रदेश के भाइयों के साथ एक साथ शहीद हो जाएंगे। या तो यह सरकार हमारे अधिकार को दे दे, क्योंकि हमारी यह मांग इतनी बड़ी भी नहीं है, हमेशा से हमें मिलता रहा है। हम अपने अधिकारी एक रुपये इकट्ठा करके, जो सरकार का फंसा हुआ रुपया होता है, मैं अपने पत्रकार बंधुओं के माध्यम से अधिकारियों तक आवाज भेजना चाह रहा हूँ कि जिलों पे जब हमें काम मिलता है तो हमें वो कागज़ दिए जाते हैं जिसको सड़ा हुआ कागज कहा जाता है, जो रेगुलर भाई छोड़ देता है कि कौन जाएगा, जाने दो, इसके वहाँ फलाना है ढिकाना है, ये झगड़ा करता है, ये 300 साल का पुराना है, वहाँ हमें लगाया जाता है। और हम अपने बुद्धि विवेक के बल पर, चाहे उस दरवाजे पर लड़ाई झगड़ा के जरिए जैसे भी संभव होता है, उस सरकार की फंसी हुई रकम को वसूलते हैं और इनके कोष में जमा करते हैं। आज अगर हम अपना वह अधिकार मांगने के लिए एक रुपये इकट्ठा करके, जो सरकार का फंसा हुआ रुपया होता है, मैं अपने पत्रकार बंधुओं के माध्यम से अधिकारियों तक आवाज़ भेजना चाह रहा हूँ कि जिलों पे जब हमें काम मिलता है तो हमें वो कागज़ दिए जाते हैं जिसको सड़ा हुआ कागज़ कहा जाता है, जो रेगुलर भाई छोड़ देता है कि कौन जाएगा, जाने दो, इसके वहाँ फलाना है ढिकाना है, ये झगड़ा करता है, ये 300 साल का पुराना है, वहाँ हमें लगाया जाता है। और हम अपने बुद्धि विवेक के बल पर, चाहे उस दरवाजे पर लड़ाई झगड़ा के जरिए जैसे भी संभव होता है, उस सरकार की फंसी हुई रकम को वसूलते हैं और इनके कोष में जमा करते हैं। आज अगर हम अपना वह अधिकार मांगने के लिए, क्यों बैठे हैं? मैं श्याम नारायण शुक्ला, सामयिक संग्रह अमीन अनुसेवक, वेलफेयर एसोसिएशन का कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष, रहने वाला मैं गोरखपुर जनपद से हूँ। आज हमारी सबकी, जितने सामयिक कर्मचारी हैं, उनकी एक समस्या आकर के ये फंस गई कि 45 साल के ऊपर हो जाने के बाद हमारी नियमावली में है कि हमें विनियमित करते समय जिले पे जिलाधिकारी महोदय को शासन के अनुमति की आवश्यकता है। जिले पे चयन प्रक्रिया पूरी करते समय जिलाधिकारी महोदय, जो भाई हमारे 45 वर्ष के नीचे होते हैं, उनको ज्वाइन कराते हैं वहाँ पर, लेकिन जिनकी उम्र 45 के ऊपर हो जाती है, उनको एक अनुमति पत्र शासन में भेजते हैं। और इससे पहले शासन से यह अनुमति अधिक से अधिक 15 दिन से लेकर के 1 महीने के भीतर मिल जाया करती थी, जो कि शासन का एक पत्र अभी आपको हम दिखाएंगे। लगभग 6,500 से अधिक साथियों के, अपनी मांग बताइए, आप बता रहे हैं, 6,500 से अधिक साथियों को मिल चुका है, लेकिन यह 2017 से अब तक जो भी प्रस्ताव आए इस तरह से चयनित होकर के हमारे, वो यहीं पे विचाराधीन पड़ गए, सरकार उसको अब तक नहीं कर रही है, आज सीमा शिथिली कर। ऐसे में बीच बीच में एक बहुत बार हम अपने कार्यक्रम चला चुके, अधिकारियों के हाथ पैर जोड़ चुके, मुख्यमंत्री महोदय के यहाँ बार बार अपना निवेदन पहुँचा चुके, लेकिन हमारी बात जब नहीं सुनी जा रही थी, कानपुर का एक भाई वीरेंद्र कुमार राम कानपुर नगर से है, उसने 26 जनवरी को मुख्यमंत्री आवास के समक्ष आत्मदाह की घोषणा कर दिया। यह पत्र उसके भेजे हुए लगभग 1 महीने से ऊपर। आपको क्या लग रहा है कि उसके आत्मदाह करने से आपकी मांगे पूरी हो जाएंगी? तब तक यह मांगे पूरी हो जानी चाहिए, और अगर नहीं होगी तो हम सब, आज हम जितने सारे लोग इकट्ठा हैं, और अभी हमारे बहुत सारे भाई जो वापस चले गए जनपदों में इस ठंडक के नाते, वह सबके सब एक आवाज़ में यह कह के गए हैं कि अगर 25 तारीख तक यह सरकार हमारी इस मांग को पूरा नहीं कर देगी,
तो हम सभी के सभी भाई उस वीरेंद्र राम के साथ वहीं मुख्यमंत्री आवास के समक्ष शहीद हो जाएंगे। रोज रोज मरने मर जाएंगे। अगर इस सरकार को हमारे इस शहीद होने से ज्यादा धन बच जाएगा तो हम वो करने के लिए अब बाध्य हो गए।